यदि आप भी व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं उसकी गोपनीयता बरकरार रहे, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, जैसे कि आप इनकम टैक्स की या जीएसटी की प्रैक्टिस करते हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई फाइल भेज रहे हैं या कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं वो सिर्फ उसे एक ही बार देख पाए, ना तो वो उसे एडिट कर पाए, ना ही आगे शेयर कर पाए। तो ऐसे बहुत से फीचर व्हाट्सएप में दिए गए हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सतबीर सिंह टेक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको टेक अपडेट रेगुलरली आपके मोबाइल पर मिलते रहें। ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप को सिर्फ मोबाइल पे ही यूज़ करते हैं, जबकि आप व्हाट्सएप को मोबाइल के अलावा चार और डिवाइसेस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, टैबलेट्स पे या फिर वेब ब्राउज़र में। तो चलिए समझते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे whatsapp.com की वेबसाइट खोल ली है। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो पहली बार आपको ये लिंक करना है, तो इसके लिए आपको अपना व्हाट्सएप फ़ोन पे खोलना है। वहाँ पे यदि आपके पास एंड्रॉयड है तो मेन्यू के सामने जो थ्री डॉट दिया गया वहाँ पे प्रेस करेंगे, और यदि आईफोन है तो सेटिंग में जाके आप प्रेस करेंगे। वहाँ पे आपको लिंक डिवाइस पे प्रेस करना है, उसके बाद डिवाइस को लिंक करना है और ये जो QR कोड है स्कैन करना है। चलिए हम आपको इसे मोबाइल पे समझा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मोबाइल पे स्क्रीन आ रही है, तो यहाँ पे जो थ्री डॉट दिए गए हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो लिंक डिवाइसेज है इस पर आपको प्रेस करना है, तो यहाँ पे लिंक डिवाइस पे प्रेस करना है। अब यहाँ से जो QR कोड है वो आपको स्कैन कर देना है, तो हमने QR कोड स्कैन कर दिया है। इसके बाद आपका मोबाइल जो है वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से लिंक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अब आपका व्हाट्सएप जो है आपके लैपटॉप पे ही ओपन हो गया है, कंप्यूटर पे ओपन हो गया है। आपको बहुत से चैट दिन भर में व्हाट्सएप पे रिसीव होते हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर चैट जो जैसे कि आपके फैमिली मेंबर से आया है वो हमेशा टॉप पे रहे, तो उस केस में आपको जैसे कि डेस्कटॉप पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्सटाइल का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर पिन चैट पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो चैट है हमारा सबसे ऊपर चला गया है। इस प्रकार यहाँ पे जो भी चैट आएगा वो हमें सबसे पहले दिखाई देगा, तो इस प्रकार आप पिन कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप इसे अनपिन भी कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आपको मोबाइल पे कैसे करना होता है इसे। तो मोबाइल पे इसे करने के लिए आप पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने ये टेक्सटाइल का ग्रुप यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है, तो ऊपर देखिए यहाँ पे पिन का बटन आ गया है, तो आपको जस्ट इसे प्रेस करना है, जिससे कि अभी मैसेज जो है वो पिन हो गया है। यदि आप इसे अनपिन करना चाहते हैं तो इसे यहाँ पे प्रेस होल्ड करके रखिए और उसके बाद यहाँ पे पिन पे दबा दीजिए, तो अनपिन हो जाएगा। व्हाट्सएप में एक और बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, वो है चैट को लॉक करने का। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो चैट है वो कोई और व्यक्ति ना देखे, जैसे कि अचानक कोई व्यक्ति आपका फ़ोन ले लेता है तो उसके पास वो चैट जो है डिस्क्लोज ना हो, तो इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो ये आप अपने मोबाइल पे कर पाएंगे, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो टैक्सी की हमारा ग्रुप क्रिएट किया हुआ है ये चैट जो है लॉक हो जाए, तो आपको इस पर प्रेस करना है, होल्ड करके रखना है, ग्रीन टिक आ जाएगा, तो उसके बाद सबसे ऊपर जो थ्री डॉट दिए गए यहाँ पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए लॉक चैट का ऑप्शन दिया गया है, आपको इसे प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया कि आप अपनी फेस या फिंगरप्रिंट से अपनी चैट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो लिंक्ड डिवाइसेज है उससे चैट लॉक नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो पहले आप अपनी सेटिंग में जाके जो फिंगरप्रिंट है फेस से अनलॉक करने की जो ऑप्शन है वो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, इनेबल कर लीजिए। तो यहाँ कंटिन्यू करेंगे, तब देखिए हमसे जो हमारा जो फिंगरप्रिंट है मांगा जा रहा है, तो हमने फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगा दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लॉग चैट का आ गया है ये ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो अगर आपको इसको ओपन करना है तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट फिर से लगाना होगा। तो अब ये जो हमारी चैट है ये ओपन हो गई है। अब आप चाहते हैं कि आप लॉग चैट के ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करना चाहते, तो आपको इसको प्रेस करना है, तो उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आप जो थ्री डॉट दिए गए हैं इसे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे ग्रुप इन्फो पे प्रेस करना है, क्योंकि हमारा एक ग्रुप था। अगर आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट पे आपको प्रेस करना है। अभी आप देखिए चैट लॉक यहाँ पे इनेबल हो रखा है, तो हम इसे प्रेस कर देंगे तो फिर से जो है फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा और ये जो चैट लॉक है ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। अब
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो चुका है चैट लॉक का। तो इस प्रकार आप अपनी जो सीक्रेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो मेंटेन करके रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि जो लॉक चैट है ये भी किसी भी व्यक्ति को दिखाई ना दे कि आपने कितनी चैट्स जो लॉक कर रखी हैं, तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे आप चैट लॉक सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यदि आप सीक्रेट कोड यहाँ पे इनेबल कर देंगे तो उसके बाद आप जो सर्च कर पाएंगे वो सीक्रेट कोड से ही चैट को सर्च कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं जो कि सिर्फ एक ही बार देखी जा सके, क्लाइंट ना तो उसको स्टोर कर सके, ना ही उसका कोई स्क्रीनशॉट ले सके, ना ही आगे उसे फॉरवर्ड कर सके। जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल होते हैं जो कि आप टेम्परेरी किसी से मान लीजिए शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इनकम टैक्स की कॉम्पिटिशन है, या फिर कोई और GST से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो ये आप कैसे कर पाएंगे, चलिए समझते हैं इसे। तो ये आप डेस्कटॉप पे या फिर मोबाइल फ़ोन पे दोनों पे कर पाएंगे। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं। मान लीजिए आप कोई फ़ोटो या फिर कोई वीडियो जो अटैच कर रहे हैं, तो हम लोग फ़ोटो अटैच करते हैं पहले। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे टेक्स्ट की कोई एरर आ रही थी जिसमें कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी है, तो हमने ये ओपन की है। अब यहाँ पे देखिए जो वन आ रहा है इसके ऊपर आपको प्रेस करना है सर्कल में। तो इस प्रकार ये जो फोटो है वो सिर्फ एक ही बार देखी जा सकेगी जो आप भेजेंगे जिस भी व्यक्ति को। वो जब एक बार इसे देख लेगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। वो दोबारा ना तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकता है, ना इसे फॉरवर्ड कर सकता है, ना इसे देख सकता है। तो आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप वीडियो के साथ भी इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप वीडियो शेयर करें तो उसके नीचे जो वन का ऑप्शन आएगा उस पर आप प्रेस कर देंगे, तो उसके इसमें वीडियो भी सिर्फ एक ही बार देखी जा सकेगी। तो इस प्रकार आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के केस में इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी मैसेज को भेजने के बाद उसे एडिट भी कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को मैसेज भेजा है हेलो, लेकिन आप इसे एडिट करना चाहते हैं और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे एरो के सामने यहाँ पे एडिट करना है। तो यहाँ पे आप हेलो की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, प्लीज़ कम ऑन टाइम, तो आप ये यहाँ पे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैसेज है वो अब एडिट हो चुका है, यहाँ पे सामने एडिटर लिखा हुआ आया है। इस प्रकार आपने यदि कोई गलती से मैसेज भेज दिया है, उसमें कोई एरर हो गई है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। आपको मैसेज डिलीट करके दोबारा से मैसेज टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई बार कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप अपने लिए रखना चाहते हैं, जैसे कि आपके लिए कोई रिमाइंडर होता है या कोई अपॉइंटमेंट आपने फिक्स की है किसी क्लाइंट के साथ, तो व्हाट्सएप में आप इसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपने आप को ही मैसेज भेज सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जो प्लस आइकन दिया होता है वहाँ पे जाना होता है, जो आप नई चैट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका नाम आ रहा होता है, सी ए सतबीर सिंह यहाँ पे आ रहा है, तो आप इस पर प्रेस करेंगे तो आप अपने आप को मैसेज भेज पाएंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपकी अपॉइंटमेंट्स है क्लाइंट के साथ या कोई और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो आप अपने आप को भेज सकते हैं, अपने लिए रिमाइंडर जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि WhatsApp से जुड़े हुए ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगे और आप जो क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी है वो भी मेंटेन कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि और भी अधिक वीडियो हम लोग टेक्नोलॉजी अपडेट से रिलेटेड आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमें ये भी बताएं कि किस टॉपिक पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप चाहते हैं कि हम आपके पास अपडेट पहुंचाएं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, व्हाट्सएप से रिलेटेड, या फिर जो नए मोबाइल में अपडेट आते हैं उससे रिलेटेड। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट प्राप्त कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की है ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।